सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। उदयपुर लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद मीना ने दाखिल किए नामांकन में बताया कि उनके और उनकी पत्नी के पास कोई गाड़ी नहीं है। बतौर आईएएस उदयपुर कलेक्टर रहे ताराचंद के पास मीना के नाम मारवाड़ में जमीन मकान है, तो उनकी पत्नी के नाम उदयपुर के सराड़ा और झाड़ोल में भी एग्रीकल्चर भूमि है। नॉमिनेशन के बाद उनकी प्रॉपर्टी से जुड़ा यह रोचक फैक्ट सामना आया है। ताराचंद मीना के पास 93,81,000 की चल अचल संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी कमला मीना के पास उनसे 3 गुना ज्यादा 3.16 करोड़ की प्रॉपर्टी है। उनके पास जोधपुर के भाकरासनी में 12.26 बीघा, उदयपुर के सराड़ा और झाड़ौल में जमीन है, जिसकी अनुमानित कीमत 1.53 करोड़ से ज्यादा है। जोधपुर, जयपुर और मारवाड़ जंक्शन में मकान है। ताराचंद मीना के पास मारवाड़ जंक्शन में विरासत में मिले 4 प्लॉट और जमीन है। जोधपुर और मारवाड़ जंक्शन में खुद के नाम मकान है। ताराचंद मीना और उनकी पत्नी के पास कोई वाहन नहीं है। इससे पहले नामांकन दाखिल करने वाले भाजपा उम्मीदवार मनालाल रावत की ओर से दिए गए शपथ पत्र के अनुसार उनकी पत्नी रजनी रावत उनसे ज्यादा धनवान है। रावत के पास 39.39 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, जबकि पत्नी के पास 2.18 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ताराचंद मीना और मनालाल रावत दोनों ने सरकारी नौकरी से वीआरएस ले लिया है।